नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने अपने सरकारी आवास पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज अस्पतालों से लेकर कलेक्टर एसपी ऑफिस और भोपाल में मंत्रालय सोलर एनर्जी से संचालित होंगे। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मंत्री ने कहा, अभी मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी से 7000 मेगावाट तक उत्पादन हो रहा है, 8000 मेगावाट और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच करार हुआ है, जिसमें हम 8000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का प्लान कर रहे हैं। 6-6 महीनों के अंतराल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य इस ऊर्जा का उपयोग करेंगे। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी बने, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं मंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर कहा कि मुख्यमंत्री जी की सलाह से इस पर भी गंभीरता से मंथन कर इस और भी आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बीहड़ की जमीन है, हम उसमें लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से सोलर प्लांट वहां स्थापित हो, लेकिन बीहड़ में थोड़ी सी टेक्निकल परेशानी है, उसको दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी भिंड में भी जगह चिन्हित हो जाएगी और बीहड़ क्षेत्र में सोलर प्लांट लगेंगे। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे विभाग द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी दूरदर्शिता आदरणीय मोदी जी का सपना और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में नवकरणीय ऊर्जा विभाग के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में हम मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार देश में 500 गीगावाट अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 2012 के लगभग केवल 500 मेगावाट सोलर एनर्जी के रूप में हम लोग उत्पादन कर रहे थे। उसके बाद से लेके आज लगभग 14 गुना 7000 मेगावाट तक हम आज पहुंच गए। आज हम 7000 मेगावाट की क्षमता मध्य प्रदेश की सरकार ने उत्पादन के क्षेत्र में प्राप्त की है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग आज मध्य प्रदेश में 7000 से बढ़कर जो लक्ष्य हमको 20000 मेगावाट का मिला है, हम इन 9-10 महीने में लगातार प्रयास करके सौर ऊर्जा के क्षेत्र में करीबन 8 से 10 हजार मेगावाट की तरफ हमने जमीनें भी देखी हैं। हमने अभी हम ओंकारेश्वर गए थे, जहां पर मुझे बताने में बहुत खुशी है कि देश का 8वां अजूबा मां नर्मदा जी की गोद में हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो हमारा ओंकारेश्वर में है उसको देखने गए थे। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ओंकारेश्वर जाएं, ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि वो परियोजना हमारी 278 मेगावाट आज की तारीख में उत्पादन शुरू हो गया है और करीबन हम 550 के ऊपर मेगावाट तक उसको ले जा रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। बड़ी बात यह है कि वे पूर्ण रूप से स्वदेशी है, उसमें एक कील भी किसी विदेशी कील नहीं लगी उसमें, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लगातार प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने मुरैना, भिंड, अशोकनगर, सागर, नीमच, शाजापुर, आगर, कई जिलों में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चारों तरफ मध्य प्रदेश में जगह चिन्हित की है और कई
टेंडर प्रक्रिया में भी उसमें आ गए, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो नीमच हो, आगर हो, शाहजहाँपुर हो, और एक बड़ा काम मध्य प्रदेश में 52,000 पंपों का टेंडर अभी हमने लगाए हैं। 21,000 पंप अभी तक लगे थे, लेकिन 52,000 पंपों का टेंडर 28 तारीख हमारे यहाँ लास्ट डेट है, और 28 तारीख के बाद उसमें 30% सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार और 30% सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही। किसानों को केवल बोर कराना है और 5 साल की गारंटी के साथ 3 से 7.5 हॉर्स पावर तक की मोटर और पैनल 25 साल की गारंटी के साथ किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार इससे भी ज़्यादा और आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में आप सबके सामने आ जाएगा। हम बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि भगवान ने जो जिम्मेदारी हमें नवकरणीय ऊर्जा की दी है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सब लोगों के सहयोग से मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करे। एक अभी हमारे सागर और 300-300 मेगावाट सागर और धार, इसमें भी 300-300 मेगावाट के पार्क हम लगाने जा रहे हैं, सोलर पार्क। लगातार मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं फिर आपसे, आपके माध्यम से सारे निवेशकों से निवेदन करता हूं कि वो मध्य प्रदेश आए और निवेश करें। मध्य प्रदेश में जल भी है, मध्य प्रदेश में जमीन भी है और मध्य प्रदेश में वायु भी है। इतनी मुझे कहना। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।